नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। और आज अपन क्लोज का जो पार्ट नंबर 5 है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने इसके 4 भाग पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हू, whom, which, इन सब का यूज कैसे किया जाता है ये सब बातें पढ़ी। और आज जो अपना एक नया कंजक्शन है, नया कनेक्टिव वर्ड है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और वो है बेटा यूज ऑफ विच, यानी कि विच का प्रयोग। थोड़ा सा ध्यान दें, विच एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन है और इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो कंजक्शन होने के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इसका जो काम है वो काम सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, इन दोनों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करना है। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि ये दो साधारण वाक्यों को जोड़ के एक जटिल वाक्य तैयार करता है, एक ऐसा वाक्य जिसके अंतर्गत एक डिपेंडेंट क्लोज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो। मतलब एक वाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए उन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक ही सेंटेंस बना दिया जाए, ताकि उनका मीनिंग लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो। इसके साथ ही बड़ा अब आपके लिए गुड न्यूज भी आ चुकी है कि 21 सितंबर को आपकी ऑफलाइन क्लासे है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस से आपको थोड़े दिनों बाद छुटकारा भी मिलने वाला है। मतलब अपने लिए भी पहले चलती थी उस प्रकार से रेगुलर क्लासे भी चलने की लगभग 99% तक संभावनाएं हैं कि 21 सितंबर से आपकी स्कूलें खुल जाएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कीजिए, अपने आप को एक्टिव कीजिए और पढ़ाई में इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, ताकि आपकी गाड़ी वापस पटरी पर आ सके। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा जोश भरे। सबसे पहले देखिए बड़ा विच का अर्थ क्या होता है हिंदी में, पशुवाचक वाक्य में इसका अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। In which class do you read? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? In which school do you read? तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? समझ गए? Which bird is national bird? कौन सा पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है? इस प्रकार से ऐसे जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं उनमें प्रश्न पूछने के लिए which का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि which से कोई प्रश्न तो पैदा होता है और उस प्रश्न में कौन से या कौन सी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है वो आंसर क्या होता है। इसके आंसर में देखो लाइफलेस थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु। दूसरा एनिमल्स, जानवर। इन दो चीजों के बारे में ये ज्यादातर पूछता है। लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु है उसके बारे में अगर किसी को पूछना है तो आप विच से क्वेश्चन करोगे। जानवर के बारे में पूछना है तो आप विच से क्वेश्चन करोगे। लाइफलेस थिंग, जैसे आपको डस्टर के बारे में पूछना है कि कौन सा डस्टर सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो विच डस्टर इज द बेस्ट क्वालिटी, कौन सा डस्टर वो अच्छी क्वालिटी का है, तो विच डस्टर। अब डस्टर के अंदर आपको नाम बताना पड़ेगा, जैसे एलिफेंट मार्का का जो डस्टर है वो बेस्ट क्वालिटी का आता है, या कौन सा मंदिर है वो फेमस है, विच टेम्पल इज फेमस। अब किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर
अब आगे जो भी उसका कारण है वो आगे बता सकते हैं। जानवरों के लिए विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल, विच एनिमल गिव्स मोर मिल्क, है ना, विच बर्ड कैन फ्लाई इन द हाईएस्ट हाइट, इस प्रकार से जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो बात हुई विच के बारे में, तो थोड़ा सा यहां एक पढ़ने के बाद उनको एक आधार हो गया ना कि विच का प्रयोग इन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध बताने के लिए किया जाता है। मतलब कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर है, उसका संबंध किसी दूसरी निर्जीव वस्तु के साथ, जानवर के साथ या व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। मतलब संबंध इतने देर अपन जो पहले तीन कंजक्शन पढ़े थे उनमें किसी न किसी व्यक्ति का संबंध हो रहा था, जबकि इसमें किसी जानवर या निर्जीव वस्तु का संबंध होगा। अब ये संबंध किस प्रकार से प्रकट करना है तो देखिए, अपन जो अफर्मेटिव सेंटेंस में उनमें अगर विच का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है मैडम वो ये है कि आप विच का प्रयोग आपकी मर्जी के अनुसार कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन विच से पहले कोई लाइफलेस थिंग्स या फिर कोई एनिमल, लाइफलेस थिंग या फिर एनिमल अगर हो तो उसके साथ विच का प्रयोग किया जाता है। अब या विच के बाद कोई नाउन हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, और उसके बाद किसी न किसी प्रकार की वर्ब हो सकती है। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट याद है आपको तो आप विच का प्रयोग एकदम इजीली कहीं पर भी किसी भी प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हो। लाइफलेस थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी आपको, यानी कि निर्जीव वस्तु, ऐसी वस्तु जिनके अंतर्गत जीवन नहीं होता, जीव नहीं होता, एनिमल, विच का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद किसी भी प्रकार की नाउन हो, प्रोनाउन हो, या उनके बाद में कोई वर्ब भी आ जाती है। मतलब मेन मुद्दा वो ये है कि विच से पहले क्या है, मतलब विच का प्रयोग किसके साथ संबंध बताने के लिए किया जाएगा। एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं बेटा अपन, जैसे मनीष हैज परचेस्ड ए पप्पी, इट इज वेरी लवली। अब या विच, ये दो सेंटेंसेस जो भी आप, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में विच की सहायता से कनेक्ट करना है। विच की सहायता से जैसे भी ये कनेक्ट होते हैं वैसे इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं, मनीष हैज परचेज्ड ए पप्पी, पप्पी का मतलब बेबी ऑफ डॉग, यानी कुत्ते का बच्चा। तो सबसे पहले विच का प्रयोग क्या अपन मनीष के साथ कर सकते हैं बेटा, याद कंफर्म करो, क्या मनीष के साथ आप विच का प्रयोग कर लोगे? नहीं, क्योंकि मनीष एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन है, और पर्सन के साथ हु और हुज का प्रयोग होता है, ने की विच का। तो यहां सब्जेक्ट के साथ अपन विच का यूज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप सब्जेक्ट के साथ किसी भी कनेक्टिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते तो पहला सेंटेंस आपको जनरली पूरा लिखना पड़ता है, क्योंकि फिर आप ऑब्जेक्ट के साथ करोगे, मनीष हैज परचेस्ड ए
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में इट को आप हटाओगे, क्योंकि इट किसके लिए आया, इस पप्पी के लिए ही आया, तो यहां पर आप लिख दोगे विच। और आगे इट वेरी लवली, ये लो भैया। तो मनी सेल्स परचेज द पप्पी विच इज वेरी लवली, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस हो गया, इसमें कुत्ते का जो संबंध है वो सुंदरता से कुत्ते की गुणवत्ता है उसके बताने के लिए इसका प्रयोग है वो किया गया। एक सेंटेंस हो देखो, मोहन गेव मी ए बुक, मोहन गेव मी ए बुक, मोहन ने मुझे एक किताब है वो दी। इट इज योर्स, ये पुस्तक वो तुम्हारी है। तो मोहन ने मुझे एक पुस्तक दी थी और वो पुस्तक मेरी नहीं है जबकि तुम्हारी है। इस सेंटेंस को अगर आप विच की सहायता से कनेक्ट करते हो, देखो कैसे कनेक्ट होगा। मोहन गेव मी ए बुक, इट मोहन गेव मी ए बुक और इट की जगह क्या देगा, विच इज योर्स, जो कि तुम्हारी है। ये तो है भैया कि कोई कुछ नहीं करना, जब दो सेंटेंस दिए गए हो और ऑब्जेक्ट के साथ आपका विच सेट हो रहा है तो दोनों सेंटेंसों के बीच में विच का प्रयोग करो और दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग जो इट दे रखा है उस इट को आप हटा दो। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो विच है वो सब्जेक्ट की जगह भी काम आता है। अब अगर ये सब्जेक्ट की जगह काम आता है तो किस प्रकार से इसके बारे में अपन बातें करेंगे। हॉर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, राम हैज परचेज्ड इट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए भैया, ये जो आपने पहले दो देखे सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। देखो अलग क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ या जानवरों का नाम, पुस्तकों का, जो निर्जीव वस्तुओं का नाम है वो एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा था, जबकि यहां पर हॉर्स एनिमल है वो एज ए सब्जेक्ट ही आ गया। तो सबसे पहले कहेंगे हॉर्स। अब आपको पता है जानवर के बाद किसका प्रयोग करेंगे अपन, विच का प्रयोग करेंगे, हॉर्स विच। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन को काम ले लेते हो तो फिर एक बार पहले सेंटेंस का जो बचाव भाग है उसको यही रहने दें और दूसरे सेंटेंस में आके उस सेंटेंस को काम ले लो। अब इसमें देखो ऐसी क्या चीज है जो घोड़े के लिए काम में ली गई, क्या राम है क्या, नहीं। तो फिर यहां देखो इट, ये इट किसके लिए काम आया, हॉर्स के लिए काम आया, तो इस इट को यहां से हटा दो। समझ गए, विच राम हैज परचेस्ड इट वेरी
देखो हॉर्स विच राम हैज परचेस्ड, घोड़ा कौन सा जो राम खरीद चुका है, जो घोड़ा राम खरीद चुका है वो बहुत ही सुंदर है। यहां देख लो भैया विच आ गया और विच से पहले हॉर्स आ गया और विच के बाद में हो जाता कोई भी नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये आ सकते हैं। यहाँ राम एक नाउन है, नाउन के बाद में वर्ब है। यहाँ बाद में ज्यादा क्वेश्चन में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, समझ गए। इनमें से जो भी यहाँ आपको उचित लग रहा है वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन विच से पहले क्या आया वो ध्यान रखना। और इस जानवर निर्जीव वस्तु के जिस भी प्रोनाउन का यहाँ प्रयोग किया जाए गया हो वो यहाँ लगाए, ध्यान रखकर। और देखिए सेंटेंस, यहां ध्यान दें इस सेंटेंस को थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दें। द बुक बिकेम द मोस्ट पॉपुलर, बिकेम द मोस्ट पॉपुलर, वो पुस्तक है जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बन गई, वो पुस्तक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बन गई। कौन सी पुस्तक? आई वॉज रिवार्डेड फॉर, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया था। आई वॉज रिवार्डेड फॉर, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया था। अब विच की सहायता से, विच की सहायता से दोनों सेंटेंस को जोड़ना। ध्यान दे भैया, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि दूसरे सेंटेंस के लास्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रीपोजिशन आ जाती है, दूसरे सेंटेंस के लास्ट में किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन आ जाती है, तो ये प्रीपोजिशन यहां से उठानी है और इस प्रीपोजिशन को विच से पहले लाना है। अब देखो कैसे, यहां देखो पहले सेंटेंस के अंदर देखो आप विच का प्रयोग कहां करोगे, एज ए सब्जेक्ट करोगे या एज ए ऑब्जेक्ट करोगे। भाई द बुक है वहां पॉपुलर है, इसमें से देखो विच का प्रयोग किसके साथ होगा, थिंग क्या है, बुक है ना, तो द बुक। अब अगर ऐसा है कि आपको जानवर या वस्तु मिल गई तो ये जो प्रीपोजिशन यहां पर जरूरी हो रहा है, कुछ भी आ सकता है प्रीपोजिशन के रूप में, इस प्रीपोजिशन को यहां से उठाना है और इसको उठा के यहां पटकना है। द बुक फॉर विच, ये लो भैया विच से पहले अपन को किस प्रकार से प्रीपोजिशन लगाना है, ये प्रीपोजिशन लगाना अपन को सीखना है। द बुक फॉर विच, पुस्तक जिसके लिए आई वॉच rewarded, became the most popular। ये देखिए दोबारा देख लीजिए, मतलब ये सेंटेंस नंबर एक, इसमें अपन को किताब काम में लेनी थी, ये काम में ले ली हमने। अब अपना कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दूसरे सेंटेंस के लास्ट में किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन है तो उस प्रीपोजिशन को यहां से पिकअप करना है और यहां लाके इसको ड्रॉप करना है, मतलब विच से पहले। तो विच से पहले अगर किसी प्रकार का प्रीपोजिशन आ जाता है या आपको लगे कि गैप दे रखा है, उस गैप से पहले किसी प्रकार की प्रीपोजिशन है, तो वहां पर आपको विच का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। जैसे एक खरीदना पड़ा, द पोस्ट
ये जैसे द पोस्ट फॉर आई वॉज सिलेक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर अपन को कई बार तक ऐसा भी सेंटेंस पूछ लेते हैं। अब अपने यहां पर तीन ऑप्शन आ गए, हु, विच और वाई। अपन को इन तीनों में से कोई एक सुटेबल प्रोनाउन का यूज यहां पर करना है। तो ये ध्यान दे भैया कि अगर गैप और गैप से पहले अगर किसी प्रकार का प्रीपोजिशन आ रहा हो तो उस प्रीपोजिशन के अंतर्गत विच का प्रयोग करना है। द पोस्ट, पोस्ट एक पद का नाम हो गया, ठीक है। अब पद है, इसमें यहां पर कौन से व्यक्ति का पद है वो नहीं बताया गया है। फॉर विच आई वॉज सिलेक्टेड, वो पद जिसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया था इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहां पर ये जो विच का प्रयोग है किया जाता है। समझ गए, ये होता भैया विच का प्रयोग, कि विच का प्रयोग है वो अपन सेंटेंसों में अलग अलग प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो देख लिया आपने विच का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ, विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ, और विच का प्रयोग जब कोई प्रीपोजिशन दे रखी हो तो उस प्रीपोजिशन के साथ भी किया जाता है। अब देखिए विच के बाद में आता भैया लेट का प्रयोग। इसका प्रयोग काफी ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है और मायने भी रखता है कि लेट का प्रयोग अपन को कहां कहां करना है। लेट का प्रयोग, ये अपन ने जो चार टॉपिक पढ़े हैं, Who, which, इन चारों का एक ऑप्शन है, इन चारों का ही एक ऑप्शन है that। मतलब जैसे अभी कोई सेंटेंस अपन पढ़ रहे थे, इनमें से कोई सेंटेंस आ जाता है और ऑप्शन उसकी जगह अगर डेट दे दिया जाए तो अपने कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सभी जगह डेट का प्रयोग किया जाता है। तो फिर अपन इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, एक ही पढ़ लेना चाहिए अपन को, डेट ही पढ़ लेना चाहिए ताकि सबकी बीमारी समाप्त हो जाए। लेकिन नहीं, इनके बीच में और डेट के बीच में भी एक पर्याप्त अंतर है, डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने के लिए अपन को तीन चार कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट अपने जो क्लियर होंगे वो होंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत डेट का जो प्रयोग है वो बड़ी डिटेल से पढ़ा जाएगा। अपन देख लेंगे एक क्लास में एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण यह है कि मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इसके जो नंबर है वो लगभग 100% बच्चों के आते हैं, इसमें से किसी भी बच्चे के नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये मतलब एक रामबाण औषधि है जो नंबर लाने की, इसकी थोड़ा सा इसमें अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि वापस इसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रेशर नहीं हो। हर प्रकार का जो ये कनेक्टिव वर्ड है इसके पीछे चार चार पांच पांच छह छह अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि हर प्रकार से अपना डाउट क्लियर हो जाए। तो डेट का प्रयोग व्यक्तियों के साथ भी होता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ में भी होता है, जानवरों के साथ में भी होता है, लेकिन हु, विच, हुम, इनमें और डेट के बीच में क्या फर्क है ये अपनी बात है वो अगले वीडियो में जारी रहेगी, ठीक है। आज के लिए बड़ा विच का प्रयोग खूब है। अब आप जब भी अगली वीडियो देखने के लिए रहो तो इससे पहले थोड़ा सा तैयारी कर ले आप अपने स्तर पर कि डेट का प्रयोग कैसे कैसे होता है ताकि थोड़ा सा जल्दी समझ में आए। और आज का टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि अपन जल्द ही 21 सितंबर को आमने सामने रूबरू होंगे और ऑफलाइन में
एक बार फिर से अपनी जो स्टडी है उसको गति दे पाएंगे। आज के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।